नमस्ते दोस्तों, लिप्टो ईट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा पाव भाजी। सभी लोग इसे बहुत लाइक करते हैं और ये बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने बहुत सारी सब्जियां ले ली हैं। ये हमने इसमें आधी लौकी ली है, थोड़ी पत्ता गोभी काट ली है, थोड़े फूल गोभी के पीसेस कर लिए हैं और दो बड़े आलू ले लिए हैं। इनको हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसको हम एक कुकर में डाल देंगे। सब्जियों को अच्छे से धो लेना है, उसके बाद कट करना है। अब इसमें हम ये आधा कप पानी डाल देंगे। साथ में ये एक चम्मच हमने पाव भाजी मसाला ले लिया है, ये डाल लेंगे। और एक छोटा चम्मच हमने नमक ले लिया है, आप टेस्ट के अनुसार ले लें नमक। अब इसको हम दो सीटी तेज पर देंगे, 5 से 7 मिनट हम इसको स्लो पर पकाएंगे। और जब इसका पूरी स्टीम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम कुकर खोलेंगे, यानी कि हमें सब्जियां सॉफ्ट होने तक पकानी है। ये हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं और 2 ये बड़ी प्याज लिए हैं और 1 बड़ी शिमला मिर्च को हमने रफली कट कर लिया है। अब इनको हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। बहुत फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा पीसना है। सब्जियों को हमने देखिए दरदरा पीस लिया है। गैस पर हमने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई रख ली है, उसमें हमने 1 चम्मच भर के सफ़ेद मक्खन डालेंगे। आप बाजार का भी यूज़ कर सकते हैं मक्खन। अब हम इसमें ये 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। इसको डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम ये टमाटर शिमला मिर्च प्याज की ग्रेवी डाल देंगे। और इसको हम बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। सब्जियाँ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अभी हमें सब्जियों को भूनना है जब तक ये थोड़ी थिक नहीं हो जाए। ये प्याज टमाटर शिमला मिर्च देखिए भून गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस हम बंद कर देते हैं, इसको हम ढक देते हैं और उस तरफ हमारी सब्जियाँ भी उबल गई हैं। ये सब्जियां भी हमारी गल गई हैं। अब इनको हम इस तरह से करछी माप देते हैं। अब ये मथनी ले लेंगे और इससे हम अच्छे से घोट लेंगे सब्जी। सब्जियों को हमने अच्छे से घोट लिया है, कढ़ाई की हमने गैस जला दी है। अब ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे, टमाटर प्याज में इन्हें डाल के हम अच्छे से मिला देंगे। अब कुकर में हम 1/2 कप पानी डालेंगे और कुकर को अच्छे से हम धो के मिला देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस हमने स्विच कर लिया है अभी। और इस तरह का कोई पाव भाजी मैशर लेंगे, उसको हम सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर हम गैस थोड़ा मीडियम टू लो कर लेंगे। अभी हमने सिम कर रखी है, नहीं तो छींटे आएंगे बहुत। देखिए भाजी हमने अच्छे से मैश कर लिए, बीच बीच में फिर से मैश करते रहेंगे और इसको हम ढक देंगे क्योंकि छींटे आएंगे। और फ्लेम हम मीडियम टू लो कर लेंगे। तो भाजी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये 1 बड़ा चम्मच नींबू मिला देते हैं, नींबू का रस।
क्योंकि खट्टी भाजी अच्छी लगती है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम 5 मिनट और पकने देते हैं। भाजी बनके तैयार हो गई है, गैस हम बंद कर लेते हैं। अब पाव सेक लेते हैं। पाव ले लेंगे हम, इनको हमने बीच में से कट कर लिया है देखिए। अब इसमें हम ये हमने अमूल का बटर लिया है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम सेक लेंगे तवे पर बटर लगा कर। फिर हमने एक तवा गर्म कर लिया है और इसमें ये हम पाव रख देंगे और ये हम स्लो पे ही सेक रहे हैं जिससे कि जलेंगे नहीं ये पाव। और ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। और इन पाव को हम सेक लेंगे। अगर आप डार्क सेकना चाहें डार्क सेक सकते हैं, मैं बहुत डार्क नहीं सेक रही हूँ। दोस्तों देखिए ये पाव हमारे सिक गए हैं, अब हम पाव भाजी सर्व कर लेते हैं। देखिए पाव भाजी हमारी बनके तैयार है। अब गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हम हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तो दोस्तों कितना इजी है ना पाव भाजी बनाना, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।